नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशन पर्पज पे। जैसा कि आप लोग जो है मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने डाइस के फिगर्स बनाए हुए हैं। ये ओपन डाइस जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लोज डाइस का खत्म कर दिया था। तो आज हम लोगों का जो पेज 4 था, ओपन डाइस से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे। जितने भी फिगर बनेंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है ओपन डाइस में कवर करेंगे, उसके बाद ये हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे ओपन डाइस, मतलब हर फिगर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए बस कि जो ये फिगर बना हुआ है अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये एक क्यूब बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब क्यूब बनेगा तभी हमारा क्वेश्चन पॉसिबल है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए है। तो आप लोग जो है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 से करना चालू करते हैं और जो है हम लोग अपना कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं जो ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस में हम लोग जो है किस डिजिट के अपोजिट कौन सा है ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अल्टरनेट सर्फेस। अल्टरनेट सर्फेस को मैं बता दू कि अल्टरनेट सर्फेस आपका अगर यहां पर अगर चार की अल्टरनेट सर्फेस लें तो एक को छोड़कर दूसरा वाला लिया है, मतलब अगर चार का अल्टरनेट यहां पे देखें तो पांच है, इसी तरीके से दो का अल्टरनेट लें तो छह है। लेकिन एक बात यहां पे और याद रखिए, अल्टरनेट का मतलब है अगर हम लोग जो है चार का अल्टरनेट ले रहे हैं तो मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो सीधी रेखा में अल्टरनेट हम लोग लेंगे। ये नहीं कि हम लोग चार का अल्टरनेट तीन, मतलब जो भी अल्टरनेट लेना या तो सीधी रेखा में, मतलब या तो ऊपर से नीचे लें तो सीधे लें, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, मतलब जो भी अल्टरनेट हमको नंबर छांटने हैं वो हमको एक सीधी रेखा में होने चाहिए। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें चार का अल्टरनेट, मैंने आपको बताया कि चार का अल्टरनेट यहां पे, चार का अल्टरनेट पांच। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का में जो है अल्टरनेट बताने का मतलब यही है कि अगर मैं चार का अल्टरनेट यहां पे पांच लिख रहा हूं तो यहां समझ लीजिए कि चार का जो अपोजिट है वो पांच है और पांच का जो अपोजिट है चार है। तो जो ओपन डाइस है उसमें हम लोग जो है अल्टरनेट छांटते जाएंगे और हमको अपोजिट पता चलता चला जाएगा किसके अपोजिट क्या है। इसी तरीके से यहां पे अगर हम एक का अल्टरनेट लें तो एक का अल्टरनेट यहां से हमको तीन मिल जाए, इसका मतलब यही है एक का अपोजिट तीन और तीन का अपोजिट एक। इसी तरीके से दो का अपोजिट कौन सा हो गया, दो का अपोजिट छह, छह का अपोजिट दो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है, बिल्कुल वही देखिए बेसिक, एक का यहां पे अल्टरनेट या तो एक का अपोजिट कह लें, एक का अपोजिट चार और तो चार का अपोजिट एक। इसी तरीके से यहां पे दो का अपोजिट पांच और पांच का अपोजिट दो, और जो बचा वाला ये हम लोग जो है छह और तीन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप ये देखिए कि मैंने जो भी फिगर लिए हर टाइप का फिगर का एक क्वेश्चन लूंगा जिससे जो है आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं ओपन डाइस की सारी क्लियर हो जाए। ये तो सरल है, मतलब हम लोग जो है धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आगे जो है हम लोग थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। यहां पे अगर देखा जाए, बताने की जरूरत नहीं है, आप एक का अपोजिट पांच आएगा, इसी तरीके से यहां पर दो का अपोजिट देखा जाए तो छह, और यहां पे जो बचा तीन और चार, ठीक है। ये तो हमारा जो है अब तक के क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए उसमें आप देखिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोगों को दे दिए गए हैं। तो जो है अगर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर दूं तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग अभी तक जो पिछले क्वेश्चन सारे करते आए थे उसमें करना क्या होता था कि हम लोग जो है पहले तो यह निकालेंगे किसके अपोजिट क्या आता है। उसके बाद क्या होता था कि जो है पासे में मैंने आपको बताया कि अगर दो अपोजिट सरफेस हैं तो किसी भी कंडीशन में ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिप सकती है। मतलब दो अपोजिट सरफेस, अगर मैं आपको एक पासा बना के दिखा दूं, ठीक है, ये पासा बना के दिखा दूं, तो आप ये बताइए जो यहां पे हम लोग जो पासा ऐसे बनाते हैं 2D वाला, तो इसमें आप खुद बता खुद देख लीजिए अगर ये ऊपर वाली सरफेस दिखती है तो नीचे वाली नहीं दिखती है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। तो वही यहां पे अप्लाई होगा, यहां पे सबसे पहले अभी हम लोगों ने जो सीखा वो करेंगे। एट द रेट का अल्टरनेट हमको यहां पर दिख रहा है
परसेंटेज। इसी तरीके से हैश का ट्राइंगल और जो बचे वाले, जब हम लोगों ने चार सरफेस कंप्लीट कर दी तो बचे वाले होंगे वो तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यहां से डॉलर का जो है अपोजिट कॉपी आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन में ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे, जो गलत होगा उसको हटा देंगे। मतलब क्या है, अगर पहले ऑप्शन में क्या कमी है, देखिए डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट, मतलब ये जो है एक साथ दिख नहीं सकते, तो यहां से ये गलत हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि जो है डॉलर का अपोजिट नहीं है, इधर जो है ये देखिए परसेंटेज का अपोजिट जो है आपका एट द रेट, मतलब ये गलत हो गया। इसी तरीके से हम लोग बी ऑप्शन अपना देखते हैं, तो ये तो हमारा जो है ठीक है, इधर जो है हमको जो है ये ऑप्शन लग रहा है कि इसमें जो है कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चेक करने के तौर पे फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, देखिए हैश के अपोजिट हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है। तो अगर यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी था वो हम लोगों ने इस बेस पे जो है अपना ऑप्शन छांट लिया कि जो है जो अपोजिट सरफेस है ना तो एक साथ दिख रही है और ना ही एक साथ छिप रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 में क्या कहा गया है कि जो है हम लोग वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा अल्टरनेट वाला, एम के अपोजिट टी, इसी तरीके से आर के अपोजिट यू हो गया, और क्या एन जो बचा वाला एन, एन के अपोजिट हमारा हो जाएगा क्यू। ये देखिए अपोजिट, अब क्या करना है ऑप्शन इलिमिनेट करिए। यहां से देखिए एम के अपोजिट टी, मतलब साथ में तो दिखेंगे नहीं, ये गलत हो गया। इधर देखिए आर के अपोजिट यू साथ में दिख रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से देखिए एन के अपोजिट क्यू, ये भी साथ में दिख रहे हैं, मतलब गलत। और इसी तरीके से इस बेसिस पे देखिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो फोर है वो हमारा सही हो गया। तो ये हमारे तो जो हमको सीधे सीधे दिख जाते हैं क्वेश्चन में, हमको अल्टरनेट दिए हुए होते हैं, हमको इजिली फाइंड कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमने किया तो हम लोगों ने आसानी से जो भी क्वेश्चन थे इलिमिनेट करने वाले या जो है एक दूसरे के अपोजिट फाइंड आउट करने वाले वो हम लोगों ने आसानी से कर लिए। लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए जिसमें हमको सीधे सीधे ना दिखे किसके अपोजिट क्या आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपका बोर्ड पे लिख दू तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि एक के अपोजिट क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए तीन के अपोजिट क्या है, अल्टरनेट अगर फाइंड करें तो हमको तीन के अपोजिट चार सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन अगर और कुछ देखें तो हमने अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा उससे सीधे सीधे नहीं दिख रहा है। तो आप लोग बस एक बात बताइए कि जो हम लोग थ्री डी डाइस का अगर फिगर बनाते हैं तो बस इसमें जो है एक बात आपको बताऊंगा और आपका ये क्वेश्चन खत्म। अगर आप देखिए जो ये ऊपरी सरफेस है और जो ये निचली सरफेस है, आप बस इतना बताइए कहीं से भी ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इनका एक कोना तक, मान लीजिए ये अगर है इधर सरफेस है तो ये देखिए इधर इनकी साइड टच हो रही है, लेकिन जो ऊपर और नीचे के आप ये बताइए कि एक दूसरे को टच करेंगे नहीं करेंगे, मतलब अगर अपोजिट सरफेस दी हुई है तो वो एक दूसरे को कभी भी कहीं से भी किसी प्रकार से टच नहीं करेगी। तो तीन के अपोजिट तो चार हमको फाइंड आउट हो गया, ये तो सीधे सीधे पता चल गया कि इनके अपोजिट ये आएगा। अगर यहां पे अभी जो मैंने ये बताया इसी को देखें, दो जब हम इस पासे को फोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए थोड़ा जो ये कॉर्नर है टच कर रहा है, इसका मतलब टच कर रहा है, तो दो के अपोजिट कभी भी आपका पांच नहीं आएगा। इसी तरीके से देखिए अगर दो के पास में एक है, मतलब ये कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, तो दो के अपोजिट तो आपका एक कभी नहीं आएगा। जब दो के अपोजिट ना पांच आएगा ना दो के अपोजिट एक आएगा, इधर से तीन और चार एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि दो के अपोजिट छह आएगा। दो के अपोजिट छह आएगा क्योंकि यहां से हमने ये हमको
जो हमने निकाला हमने देखा तो बचा वाला दो के अपोजिट छह आया। जब तीन के अपोजिट चार, दो के अपोजिट छह, तो एक के अपोजिट अब क्या, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं बची, जो बचा एक के अपोजिट हमारा पांच आ जाएगा। यही हमको क्वेश्चन में निकालना था। ये तो हमने बेसिक से सीखा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इजी बनाए और इसी क्वेश्चन में हम लोग अपना जी मेथड अप्लाई करें। जी मेथड क्या है वो भी अभी आपको एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर जी मेथड से करूंगा तो अभी अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है, 34 में आपका जो ये आपका जी मेथड है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 था वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे तीन, ये चार और पांच, यहां पे छह, बस। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 इसमें काम आएगा, जो हमारा जी मेथड होता है। जी मेथड का मतलब चेक। हम लोग इस क्वेश्चन में जेड बनाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बता दूं जो हम लोगों ने ये निकाला, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, अगर इसी को मैं इधर से रफ कर दूं, ठीक है, और इसको इधर से रफ कर दूं, तो आप क्या ये बताइए कि आप भी अभी तक जो हमारा एन के अपोजिट क्या आ रहा है, एन के अपोजिट क्यू आ रहा है, और जो है आपका टी के अपोजिट जो रफ हो गए, लेकिन ये बताइए जो एन के अपोजिट क्यू आ रहा है कि आप नहीं आएगा। बस यहां से बस यही जज करने की बात है, अगर इस फिगर को मैंने जो दिया हुआ था थोड़ा सा रफ किया तो जो एन के अपोजिट आपका क्यू आ रहा है ये तो अभी भी आएगा। तो इसी मेथड को हम लोगों ने छोटा करके बता दिया जी मेथड। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे हम लोग जेड बनाते हैं तो जो कार्नर पे जेड के आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए इधर से हमने जेड बनाया, जेड का मतलब है चाहे आप कैसे भी बनाए बस उसकी आकृति जो है जेड टाइप की होनी चाहिए, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो उसी चीज को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा किसका अपोजिट आएगा। तो यहां से देखिए हम लोगों ने अपना जेड बनाया, तो जो हमारे कार्नर पे थे तो हमको एक के अपोजिट यहां से इसी बेसिस पे पता चल गया चार। और अगर यहां पे हम लोग तीन से अपना जेड बनाते हैं तो यहां से तीन के अपोजिट आ गया छह और छह के अपोजिट तीन। और इसी टाइप से अगर हम लोग इस टाइप से अपना जेड बनाते हैं तो यहां से आपका पता चल गया दो के अपोजिट क्या आएगा आपका पांच। तो जो हमारा जी मेथड है वो हमको करना क्या है, बस जेड बनाइए और जो जिसके अपोजिट होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जी मेथड और थोड़ा बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे जी मेथड का, उसके बाद हम लोग जो है अपने बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारे हैं वो करने चालू करेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर आपका मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कहां गया, हाँ तो 35 क्वेश्चन नंबर आप लोग जल्दी से मैं लिख देता हूं 35। यहां पे दिया हुआ है डॉलर, इधर परसेंटेज, इधर बी दिया हुआ है, एटी रेट और एस, और यहां पे सी। बस हमको करना क्या है, अपना जी मेथड अप्लाई करना, जो मैंने बताया क्या करना है। यहां से देखिए हम लोग जेड बनाएंगे, कॉर्नर पे जो आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। क्या आ गया यहां से डॉलर के अपोजिट आपका एटी रेट। अगर हम लोग यही जेड ऐसे बनाते हैं तो देखिए परसेंटेज के अपोजिट आपका आ जाएगा, ठीक है। और जो बचा ये देखिए, अगर जेड हम लोग इस टाइप से बनाते हैं थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन ये देखिए जेड हम लोग जो है इस टाइप से बना रहे, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, जो हमारा बचा है सी, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारे क्वेश्चन है वो जो है जी मेथड अगर हम लोग करें तो हमारा आसानी से हो जाता है। अगर हम लोग यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो हमारा बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, 36 क्वेश्चन जो हमारा है वो बिल्कुल हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन जो हमारा 32 क्वेश्चन था उसी के बेसिस पर है, लेकिन आपका
बिल्कुल अलग जो है उसमें जो है आपको दे दिया गया है, यहां पे दिया गया है ए और यहां पे दिया गया है बी। इसके बाद हम लोग जो है दो क्वेश्चंस की और बात करेंगे जिसमें 38 क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिंदास होगा। इसमें तो हम लोगों ने अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन किए जिसमें ऐसा कुछ देता है कि हम लोगों को जैसे चार ऑप्शन इसी में दे दिए हैं और उसके बाद आपको जो है क्या करना होता है, ऑप्शन को हटाना होता है। लेकिन जो हमारा 38 क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका अभी हाल ही में एसएससी में आया हुआ है और उसमें क्या कहा गया है कि जो है बिल्कुल ऐसे सेम क्वेश्चन दे दिया है और चार ऑप्शन दे दिए, लेकिन उसमें जो जो आप इसमें इलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को वो आप उसमें इलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप जो है ऑप्शन को हटा ही ना पाए तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करते हैं अपना जी मेथड लगाते हैं। तो यहां से जी मेथड हमको पता है ए के अपोजिट आ जाएगा बी, और आपको वो नोट याद होगा कि दो अपोजिट अगर सरफेस हैं तो अगर कोई भी पासा बनाया जाए, दो अपोजिट सरफेस हैं तो उसमें एक सरफेस तो दिखेगी, पक्का दिखेगी, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना गायब हो सकती हैं और ना ही एट द टाइम एक साथ दिख सकती हैं। तो बताइए ए के अपोजिट बी एक साथ देखिए दिख रही है, इसका मतलब गलत। ए के अपोजिट बी दिख रही है, इसका मतलब गलत। और यहां पर देखिए ए दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो है इसमें देखिए नहीं दिख रहा है। अब आप बताइए ए के अपोजिट तो हमने बी निकाल लिया, अगर यहां पे देखा जाए तो जो एक खाली देखिए अल्टरनेट देखेंगे यहां पे, खाली डब्बे के अपोजिट खाली, और यहां से भी देखें अगर तो खाली डब्बे के अपोजिट खाली ही आ रहा है। तो यहां से करना क्या है, अगर दो खाली बॉक्स आते हैं लेकिन उसमें देखिए तीसरी सरफेस तो आपकी जो है ए या बी में से आएगी, तो ना यहां पे तीनों सरफेस खाली हुई है, तो यहां से ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा है कि तीनों सरफेस खाली हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। और यहां से आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका जो 37 क्वेश्चन है वो इसी में मैं आपका बनाए दे रहा हूं, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना सीखा है। जो 37 आपका क्वेश्चन है अगर ये एबीसीडी को मैं हटा के कुछ और लिख लू, 37 आपका क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन नंबर है आपका, क्या कहा गया है, देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप बस कंफ्यूज ना होइएगा। यहां पे एट द रेट दे दिया और यहां पे, और चार ऑप्शन में क्या कह दिया ये देखिए, इधर एट द रेट आपको बताना यह है कौन सा ऑप्शन आपका सही, ठीक है। तो बस यहां से हम लोगों ने अपना जी मेथड अप्लाई किया, जी मेथड से क्या एट द रेट के अपोजिट आएगा हैज। इसी तरीके से अगर अल्टरनेट वाला मेथड लगाए, ये देखिए इसके अपोजिट क्या है खाली डब्बा, और यहां से खाली डब्बा उसके अपोजिट, तो आप ये बताइए कि एट द टाइम एक ही समय पे क्या तीनों तीनों बॉक्स खाली हो सकते हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि भाई इस साइड को ले लें तो ऐसा कोई पासा बनेगा जिसमें तीनों सरफेस खाली हो, नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी नहीं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया भी नहीं और ऐसी कंडीशन होनी भी नहीं है। तो यहां से देखिए पहले ऑप्शन में क्या सही है क्या गलत है, यहां से आपको देखिए एट द रेट और है एक टाइम पे दे दिए गए ऑप्शन को हटाइए, इधर भी यही कंडीशन है एक टाइम पे दे दिए गए इसको भी हटा दीजिए। अब आप जरा देखिए यहां पे आपको दिया गया है एट इधर डाला, कौन सी कंडीशन आपकी सही हो सकती है, आप जरा बताइए। अगर मैं इसी को मैं उल्टा करूं, मतलब एट इधर लिखा था इसको उधर लिख, भाई वो तो सही है, कोई भी साइड इधर भी हो सकती है। क्या आप देखिए तीनों अपोजिट सर्फेस हैं एक टाइम पे यही दिख रहे, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया सही। अगर इसको देखा जाए तो यहां पे डॉलर दिया, डॉलर के अपोजिट तो खाली बॉक्स होता है, ठीक है, लेकिन
डॉलर के अपोजिट खाली बॉक्स हो गया, इधर भी एक खाली बॉक्स, मतलब डॉलर एक तो होगा एक खाली बॉक्स होगा, खाली बॉक्स भी दिया है। लेकिन जो हमारी ये सेकंड कंडीशन है कि मतलब इनमें से तो एक होना ही चाहिए था, वो है नहीं, इसीलिए आपका क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और आज की क्लास का हम लोग अब बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अभी तक तो हमने किसी ना किसी तरीके से अल्टरनेट मेथड से किया या तो जो है जी मेथड से अप्लाई करके कर लिया, लेकिन अब जो हमारा 38 क्वेश्चन नंबर है इसमें आप लगा लिए दिमाग और बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है, दो तीन चार पांच, इधर छह, इधर एक। अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, बस आप ये बताइए कौन सा सही है। ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछ रहे, बस आप इतना बता दीजिए कौन सा सही है। ये आपके चार ऑप्शन, ये आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन। अब आप अभी तक तो सोच रहे थे कि जो जिस अभी तक अल्टरनेट आ रहा था, ठीक है, तो दो के अल्टरनेट क्या आ गया, से बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप अब सीख चुके हैं। तीन के अपोजिट, ठीक है, और बचा क्या, एक और छह एक दूसरे के अपोजिट, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप देखिए कोई भी क्या ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम जो है अपोजिट साइड वाला मामला लगा के इसको सरल कर सकते हैं। देखिए एक दो तीन, तीनों की तीनों अपोजिट साइड दे दी गई और ए ऑप्शन बन गया। चार पांच छह, ऐसे चार ऑप्शन दे दीजिए, कोई भी ऑप्शन आपका इलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो यहां से करना क्या है आपको मैं बताता हूं कि यहां से जब हमारा इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा तो हमको जो है इसमें पासे में देखना पड़ेगा रोटेशन। ये आपका क्वेश्चन इमेजिनेशन और उसके बाद रोटेशन वाले फंडे से सॉल्व होने वाला है। तो करना क्या है, इस पासे में अगर देखा जाए एक दो तीन, एक दो तीन से जाने के लिए हम लोग कौन सा रोटेशन यहां पे हो रहा है। अगर यहां से देखिए एक दो और तीन, मतलब एक से तीन जाने के लिए यहां पे हम लोगों को लग रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर यही रोटेशन हमारा ऑप्शन में भी है एक दो तीन के लिए तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां से देखिए एक दो तीन, एक से तीन जाने के लिए आप लोग बस रोटेशन चेक करिए, यहां से रोटेशन आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो गया। आपको बस रोटेशन चेक करना है ऐसे क्वेश्चन में। यहां पे दिया हुआ है चार पांच छह, तो यहां से आप बताइए चार से छह जाने के लिए आपको कौन सा रोटेशन लगाना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से बताइए चार पांच छह, चार से छह जाने के लिए क्लॉकवाइज, इसका मतलब दोनों रोटेशन अपोजिट है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका हट गया। अब आप बताइए एक तीन चार, एक तीन चार, ये थोड़ा आपको जो है समझना पड़ेगा कि अगर आप बताइए, मैंने बताया था अपोजिट साइड एक दूसरे को टच नहीं करेगी, मतलब एक और छह एक दूसरे को अपोजिट साइड है, कभी टच नहीं करेंगे। अगर इस फिगर को मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बेटर बना दूं, देखिए ये जो छह है एक को छोड़ के कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो बाकी डिजिट्स हैं उनको जो है टच करेगी। तो अगर हम इधर जो है सारी साइड्स पे छह छह बढ़ा दें, इधर देखिए एक एक बढ़ा दें, तो हमारे जो नेक्स्ट वाले दो ऑप्शन हैं उनको करने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। अब बताइए जो एक और छह एक दूसरे के अपोजिट है नहीं टच कर रही है एक दूसरे को, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनने वाली नहीं है कि एक दूसरे को टच करें। तो हम यहां पे अपना नेक्स्ट जो है ऑप्शन इसमें दिया हुआ एक तीन चार, यहां से देखिए एक से चार जाने के लिए कौन सा रोटेशन, ये देखिए एक से चार जाने के लिए आप लोगों ने यहां लगाया क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहां से देखिए एक से चार जाने के लिए आप लोग यहां पर भी लगा रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हमारा कैसे गलत होगा, ये देखिए तीन से छह, तीन और चार और छह लिया गया, तीन चार और छह लिया गया, तीन से छह जाने के लिए देखिए चार से निकलना पड़ रहा है और छह तक जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहां से तीन से छह जाने के लिए ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहां से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को
किस टाइप से? इमेजिनेशन से सॉल्व किया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन आपको एग्जामिनर ऐसे बना के दे रहा है आजकल कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, कैसे होगा। तो ये तो हमारा था लास्ट क्वेश्चन, और जो है आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बचे हुए फिगर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है ओपन डाइस के, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी काफी हो चुकी है बड़ी और आप लोग हो जाएंगे बोर। तो मुझे पता है जो भी आगे के क्वेश्चन है जितने भी बनेंगे बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल के लिए मिलते हैं फिर से आपके लिए। धन्यवाद।